नमस्कार, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं जनता शो। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बहस आज भी जारी है। कुछ दिनों पहले नो फिल्टर नेहा नाम के एक चैट शो पर जब अभिनेत्री तापसी पन्नू से पूछा गया कि कौन से स्टार किड ऐसे हैं जो अगर इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं होते तो उन्हें आज काम नहीं मिल रहा होता, तो तापसी पन्नू ने कहा हर्षवर्धन कपूर। अगर देखा जाए तो तापसी पन्नू की बात में दम तो है। हर्षवर्धन कपूर, जो कि अनिल कपूर के बेटे हैं, ने अपने करियर की शुरुआत ओम प्रकाश मेहरा के फिल्म मिर्ज़या से की थी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म थी भावेश जोशी, जो कि बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये स्टार किड्स लगातार फ्लॉप्स फिल्म दे रहे हैं तो इन्हें काम कैसे मिल रहा है? क्या ये नेपोटिज्म है? नेपोटिज्म को अगर समान भाषा में समझें तो इसका मतलब है किसी अपने रिश्तेदार को अपनी जान पहचान की वजह से काम दिलवाना। 2 साल पहले एक चैट शो कॉफ़ी विद करण पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने नेपोटिज्म पर सबसे पहले खुलकर बात की। उन्होंने फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर पर सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाया कि वो कैसे नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस शब्द ने तहलका मचा दिया था। हर कोई इस बात पर चर्चा करने लगा था। खैर, नेपोटिज्म तो पहले भी था, पर कंगना ने इस पर पहली बार खुलकर बात की थी। उसके बाद बाकी कलाकारों ने भी इस पर चर्चा करना सही समझा। एक्टर प्रियंका चोपड़ा, जो कि आज पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन कर रही हैं, उन्होंने भी ये बात कबूली कि कैसे उनको भी कितनी ही फिल्म से निकाला गया क्योंकि उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को स्टार किड को कास्ट करना पड़ा। अभिनेत्री अमृता राव ने भी यह बात कबूली कि उनको भी कई बार स्टार किड्स ने रिप्लेस किया है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने तो ये तक कह दिया कि स्टार किड की पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही उन्हें दूसरी और तीसरी फिल्म मिल जाती है। तो दोस्तों, ये किस्से तो हमारे सामने आ गए और ना जाने कितने ही किस्से ऐसे हैं जो आज भी इस बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में दबे हुए होंगे। ये बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया दूर से बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन अगर आप उन कलाकारों से पूछें जो देश के कोने कोने से आकर दिन रात यहाँ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी नेपोटिज्म नाम के डीमक की वजह से उन्हें अपने आप को साबित करने में सालों साल लग जाते हैं। अभिनेता जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, कंगना रनौत, इनको सालों साल लग गए अपना हुनर साबित करने के लिए। इस इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स का कहना है कि अगर उनकी एक या दो फिल्म फ्लॉप हो जाए तो कैसे उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है, या फिर उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं काम मिलने के लिए। तो दोस्तों, बदलाव की तो ज़रूरत है और बदलाव आ भी रहा है क्योंकि हमारी जनता अब जागरूक हो गई है। अभिनेता जैसे राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, तापसी पन्नू, भूमि पेडनेकर, इनकी फिल्मों को दर्शकों से बहुत प्यार मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि नेपोटिज्म का डीमक अब धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से निकल रहा है। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें।